all rights reserved this video has been prepared for educational purposes only no part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल youtube चैनल पे मैं श्रेयांस कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही शानदार एक किताब जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल दोस्तों ये बहुत 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 ब्यूटीफुल किताब है एक-एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिटेल दे रखा है और उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों क्वेश्चन बैंक का एक बहुत बड़ा सोर्स आप लोगों के लिए तैयार है उसके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है कहां किस तरह के क्वेश्चंस को किया जाएगा एक एक क्वेश्चन पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस को लेके लिए चलते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट वन जो इस बुक का है उसका सेक्शन सेकेंड चल रहा है और उस सेक्शन सेकेंड का आखिरी चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर एट

बहुत सारे लोग इसे इफेक्ट कह रहे होंगे कुछ लोग इसे कॉज कह रहे होंगे एक्चुअली में क्या है जरा सोचते हैं हम लोग दोस्तों यहां हमने इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दिया है आपके समझने के लिए अगर मेरे दो स्टेटमेंट हैं एक में कह रहा है राहुल इज इल और दूसरे में कह रहा है राहुल डिड नॉट कम टू स्कूल राहुल इल है राहुल स्कूल नहीं गया तो दोस्तों स्कूल क्यों नहीं गया क्योंकि वो इल है यानी ये उसका कॉज हो गया ये उसका इफेक्ट हो गया क्या ये बात समझ आ रही है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए भाई आपको कहा राहुल राहुल बीमार है राहुल चुक बात इन रेन लास्ट आ, आ, लास्ट नाइट कर देते हैं इसे तो अगर हम कहना चाह रहे हैं कि भाई पिछली रात्रि को राहुल ने बात किया था रेन के अंदर नहाया था बारिश में तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है तो दोस्तों राहुल इज इल कभी कॉज बन रहा है कभी इफेक्ट बन रहा है अकेला स्टेटमेंट कभी कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा उसके साथ में जो दो स्टेटमेंट होंगे वो कॉज एंड इफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे तब जाके आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा सिंगल स्टेटमेंट से नहीं हमेशा दो इवेंट से ये क्वेश्चन बनेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में लेके आया हूं उस एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट लेके आया हूं फ्लो चार्ट का मीनिंग समझ लीजिए भाई फ्लो चार्ट का मीनिंग यह है कि आपको सबसे पहले इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज कॉज एंड सेकेंड इज इफेक्ट या फिर सेकेंड इज कॉज फर्स्ट इज इफेक्ट पहले उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा पहले ये सोचना पड़ेगा जो दो इवेंट दे रखे हैं दो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें क्या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बन रहा है अगर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बन रहा है तो यही मेरा आंसर आ जाएगा ए या बी जैसा हमने वन और टू लिखा है क्या यह बात समझ आ गई पहले यह चेक कर लो कि क्या यह कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है या नहीं है अगर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं समझ आ रहा है अपने को तो उसके बाद चेक करेंगे आंसर नंबर फाइव फाइव का मतलब ई स्टेटमेंट वन एंड सेकिन कॉमन कॉज जनरल ऐसा लिखा हुआ जो आपके दोनों स्टेटमेंट हैं फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों आपस में तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है लेकिन दोनों ही एक सिंगल कॉज के इफेक्ट है कॉज उनका सिंगल है कॉमन है और वो दोनों उसके इफेक्ट है क्या यह बात समझ आ रही है आप लोगों को एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा लेकिन पहले फ्लो चार्ट समझ लें अगर वो कॉमन कॉज नहीं है तो उसके बाद आता है फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज दोनों के अलग अलग इंडिपेंडेंट अपने अपने कॉज होंगे यानी दोनों जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो दोनों अपने आप में इफेक्ट्स होंगे और उन इफेक्ट्स के अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे और अगर वो भी नहीं है तो आंसर थ्री है अब ये आंसर थ्री कैसे बनेगा इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैं सीधा लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन पे दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है जरा देखिएगा ये कह रहा है कि भाई वाई जेड कंपनी जो है उसने ट्वेंटी परसेंट जंप करा है अपने सेल में उसका सेल जो है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हो गया है इवेंट भी कह रहा है कि एक्स वाई जेड कंपनी ने अपने प्राइसेस प्रोडक्ट के कंसिडरेबली घटा दिए सोचिए जरा प्राइसेस कम कर दिए इसलिए सेल बढ़ गई या सेल बढ़ गई इसलिए प्राइसेस कम कर दिए कोई भी एक समझदार बिजनेसमैन सेल के बढ़ने पर प्राइस कम नहीं करेगा हाँ ये जरूर है सेल को बढ़ाने के लिए प्राइस कम करेगा यानी प्राइस कम करना कॉज है और सेल बढ़ना इफेक्ट है तो हमारा फर्स्ट है, जो है वो इफेक्ट आ रहा है फर्स्ट अगर इफेक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट सेकेंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट क्या यह बात समझ आ रही है कुछ और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी तरह के एग्जाम्पल को समझते हैं देखिएगा राम डिड नॉट गोडू स्कूल टूडे राम आज स्कूल नहीं गया मोहन इज ब्रदर ऑफ राम एंड ही डिड नॉट गोडू स्कूल टूडे मोहन जो है वो राम का भाई है वो स्कूल नहीं गया अब सोचिए जरा भाई राम स्कूल नहीं गया और मोहन स्कूल नहीं गया एक दूसरे के कारण तो होंगे नहीं यानी इसमें आंसर नंबर ए और बी फर्स्ट और सेकंड दो तो हम एलिमिनेट कर देते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर फाइव आना चाहिए नेक्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं है तो एक बार फाइव चेक करो फाइव का मतलब है बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज दोनों के बीच में कोई कॉमन कॉज नजर आना चाहिए अब आप ढूंढिए जरा कोई कॉमन कॉज है क्या बिल्कुल कॉमन कॉज बन सकता है घर में शादी है घर में कोई पार्टी है फंक्शन है दोनों नहीं गए कोई काम हो गया दोनों का तो आप ये मन में सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा भी हो सकता था कि राम नानी के घर गया है मोहन की टांग टूट गई है हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है पहले फाइव को ट्राई करना है फिर फोर को ट्राई करना है पहले ये ट्राई करना है कि इन दोनों के पीछे कोई एक कॉमन कॉज तो नजर नहीं आ रहा है अगर कॉमन कॉज नजर आ रहा है तो पहले आंसर फाइव करेंगे वो नहीं होगा तो फिर फोर तो करना ही करना है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कुछ और एग्जाम्पल से करते हैं यहां समझ आ गया आंसर ई आएगा राइट right? एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों यहां देखिएगा अभी क्या करेंगे आप देखिएगा अभी एकदम क्लियर कर दिया राम स्कूल नहीं गया आज मोहन स्कूल नहीं गया आज क्या इन दोनों में भी कोई कॉमन कॉज ढूंढ पा रहे हैं क्या सोचो एक बार पहला ट्राई यही करना है कि आप कॉमन कॉज ढूंढ पाए मिला कुछ दोस्तों कॉमन कॉज बहुत आसान है अरे भाई आज स्कूल की छुट्टी है आज संडे है तो आज मोहन भी स्कूल नहीं गया और राम भी स्कूल नहीं गया सो पहला दिमाग लगना चाहिए हमें कॉमन कॉज ढूंढना है अगर कॉमन कॉज नहीं है तो फिर आंसर क्या है फोर है डी है चेक करते हैं दोस्तों अब ये एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने जरा एक बार इसमें कॉमन कॉज ढूंढ के बताओ जरा ट्राई कर लो गोवा जो है आजकल बड़ा उमस भरा हो रहा है और आसाम में बयासी प्रतिशत जो है वोटिंग हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स में दूर दूर तक न तो इन दोनों का आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है और नहीं ही इन दोनों का कोई कॉमन कॉज निकल के आएगा सो so, अब इस केस में आंसर फोर हो जाएगा दीज आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज दोनों ही इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉज के बात समझ आ रही है ना अब आप सोचेंगे साहब फर्स्ट सेकंड कर लिया हमने फर्स्ट सेकंड नहीं मिला तो फाइव आंसर आ गया फाइव नहीं हुआ तो फोर्थ आ गया ये थर्ड कब आएगा थर्ड केवल तभी आएगा जब हमारे दोनों इवेंट सेल्फ सफिशियंट है उनको किसी और अधूरे मतलब देखिए यहां अधूरा है गोवा क्यों ह्यूमिड है या ह्यूमिड है तो और उसके बाद क्या होगा नहीं दे रखा है एटी 82 परसेंट वोटिंग हुई क्यों हुई क्या रीजन रहा या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं दे रहेगा तो यह अधूरे हैं लेकिन अगर आपको पहले वाले वाक्य में कॉज एंड इफेक्ट दोनों मिल जाए दूसरे वाले में भी कॉज एंड इफेक्ट दोनों मिल जाए तो इसका आंसर थर्ड करिएगा ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉज कहलाएंगे एग्जाम्पल लेंगे तो शायद समझ आ जाएगा यहां देखिए इससे पहले वाले में हमने कहा था फोर यानी कि डी अब देखिए क्या आंसर आ रहा है भाई हैवी रेनफॉल गोवा में हुई और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई कॉज भी दे रखा है और इफेक्ट भी दे रखा है कंप्लीट है यहां पे देखिए असम ले, लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स में क्या हुआ बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेन करा अवेयरनेस कैंपेन करा इसलिए रिकॉर्ड 82 परसेंट वोटिंग हो गई कॉज भी दे रखा है उसका इफेक्ट भी दे रखा है तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि थ्री लेकिन वैसे बहुत रेयर आंसर आएगा जो अपने आप में कंप्लीट है वहां थ्री लगाते हैं दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए अब सीधा लिए चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन पे एक्सरसाइज की क्वेश्चन पे तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज है आपकी एट और एक्सरसाइज एट में पहला क्वेश्चन हम करेंगे इसमें टोटल एक ही एक्सरसाइज है बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आराम से इसे देखें द प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स दिस समर इस गर्मियों में जो प्राइसेस हैं वेजिटेबल्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंक्रीज हो गई है दूसरा कह रहा है देर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर देर बाई डैमेजिंग क्रॉप ग्रेटली पहला कह रहा है भैया मेरे प्राइस बहुत बढ़ गई हैं क्रॉप्स की वेजिटेबल्स की दूसरा कह रहा है कि भैया बहुत भयंकर गर्मी पड़ी और गर्मी के कारण बहुत सारी क्रॉप तबाह हो गई तो दोस्तों आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो क्रॉप तबाह हुई है तभी तो प्राइसेस बढ़ी है प्राइसेस बढ़ना इफेक्ट है उसका कॉज इसमें है सेकेंड वाला जब मेरा कॉज होता है तो आंसर होता है बी इफ द स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज क्या ये बात समझ आई क्या ये तरीका समझ आया क्या ये अप्रोच समझ आई क्वेश्चन को देखने का तरीका और नजरिया समझना पड़ेगा और दोस्तों अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे लेकिन एक चीज जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कहना चाहता हूं इस बार भी करूंगा दोस्तों बहुत सारी मेहनत करते हैं हम लोग एस चांद पब्लिकेशन एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके वीडियोस लगातार देखते रहिए और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों शेयर तो करिए अपने मित्रों को बताइए कि बहुत अच्छी एक क्लास रूपी क्लास चल रही है आप लोगों के लिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आया है एक्साइज वही है एट देखिए क्या कह रहा है इट इज द एम ऑफ द सिटीज सिविक अथॉरिटी सिटी की जो सिविक अथॉरिटी है जो अथॉरिटी बॉडी है उनका एम है टू गेट द एयर पोल्यूशन रिड्यूस बाय ट्वेंटी परसेंट इन द नेक्स्ट टू मंथ अगले दो महीने में वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन को ट्वेंटी कम करना है ये कह रहा है द नंबर ऑफ अस्थमा केसेस इन द दिटीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एस्थमा केसेस के जो सिटी में केसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस कारण से एम लिया है एम लिया है इसलिए थोड़ी बढ़ रहे हैं एम लेंगे तो घटेंगे ना यानी कि मेरा सेकंड वाला कॉज है जिसका फर्स्ट में इफेक्ट है तो सेकंड वाला अगर कॉज है आंसर आ जाता है बी फॉर बॉम्बे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर देखिएगा आराम से हम ये कहना चाह रहे थे जो पुलिस अथॉरिटी है उसने एक ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स हाउस ब्रेकर का मतलब है जो घर तोड़ के घर को तो तोड़ते नहीं है एक्चुअली घर में सेंध मार लेते हैं चोरी करने की दृष्टि से घर में घुस जाते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा है सेकेंड कह रहा है सिटीजेंस ग्रुप इन द लोकलिटी है एरिया और जो सिटीजेंस का ग्रुप है लोकलिटी में उन्होंने अपना नाइट विजिल बढ़ा दिया या उन्होंने चालू कर दिया अब सोचिएगा जरा दोस्तों पहले वाला और दूसरे वाला ये आपस में कौन सा रिलेशन बना रहे हैं इनमें से कॉज कौन सा है इसमें से इफेक्ट कौन सा है जरा देखते हैं अपन यहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि भैया पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है उन्होंने बहुत सारे चोरों को पकड़ा इसलिए उन्होंने विजिल किया भाई चोरों को पकड़ लिया विजिल की क्या जरूरत है उन्होंने विजिल किया इसलिए उन्होंने चोरों को पकड़ा ये विजिल करने वाले अलग लोग विजिल का मतलब चौकन्ना रहने वाले लोग भाई और ये अथॉरिटी पुलिस तो अलग हो गई तो दोनों के बीच में एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट नहीं है दोनों के पीछे कॉमन कॉज है कॉमन कॉज क्या है शहर में चोरियां बढ़ गई तो शहर में चोरियां बढ़ी तो इन्होंने अपना काम किया शहर में चोरियां बढ़ी पुलिस ने अपना काम किया दोनों ही कॉमन कॉज के इफेक्ट्स हैं तो आंसर हो जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है तो इस तरीके से देखना है हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि फाइव कहाँ आएगा तो मैंने रीजन के साथ आपको समझाया मुझे कॉमन कॉज मिलना चाहिए दोनों के पीछे का एक कॉज जिसके ये दोनों इफेक्ट आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑल द द अंडर इट्स टू बैन यूज ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है सभी कॉलेजेस को जो उसकी जुरिजिक्शन में आते हैं कि भैया आप फोन का इस्तेमाल बंद कर दो कॉलेज के प्रेमाइसिस के अंदर आप फोन का प्रयोग नहीं करते ऐसा एक फतवा जारी हो गया इंस्ट्रक्शन जारी हो गया सेकेंड कह रहा है मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द साइंड बहुत सारे टीचर्स ने एक आ, पिटीशन ज्वाइंट किया यूनिवर्सिटी का कि किया है डिस्टर्बेंस कॉज होता है सेलफोन रिंग का क्लासरूम से क्लासरूम में घंटी बजती है फोन की और डिस्टर्बेंस हो जाता है आपको शायद समझ आ गया होगा थोड़ा सा क्लियर करने की बात है कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है भाई मेरे टीचर्स ने कंप्लेन करी कि कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर घंटी बज जाती है फोन की डिस्टरबेंस होती है क्लास के अंदर ऐसा जब पता चला बना तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा यूनिवर्सिटी ने बैन ही कर डाला तो इसका सेकंड कॉज है सेकंड कॉज है मेरा आंसर सेकंड हो जाएगा बिफोर बॉम्बे हो जाएगा अच्छे से समझा रहा हूं दोस्तों अच्छे से आप लोग कर रहे हैं और मुझे अच्छे से पता है कि लगातार जब आप पढ़ते चले जाएंगे और अब तो इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं हमारे इस पर्टिकुलर बुक के हर चैप्टर का एक वीडियो तैयार हो रहा है तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं हम लिए चलते हैं अगले वीडियोस अगले क्वेश्चन वीडियो, वीडियो पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस बहुत पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों को लो लाइंग एरिया क्या होता है ये जो एरिया जो है उसका एल्टीट्यूड कम है जो कम हाइट पे है जो नीचे की तरफ ढलान में ज्यादा है उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया सेफर जगहों पे, सेफर जगहों के मतलब वो ही है वो जगह थी द गवर्नमेंट हैज रश इन रिलीफ सप्लाईज टू पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरिया जो सरकार है वो रश कर रही थी भाग रही थी दौड़ रही थी किस लिए रिलीफ सप्लाई को वो लोग जो इस अफेक्टेड एरिया में रह रहे थे दोनों एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं नजर आ रहे एक बार पांच नंबर यानी ई वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं कि बहुत भयंकर बाढ़ इस क्षेत्र में आई है तो हुआ क्या होगा दोस्तों बाढ़ आई है इस क्षेत्र में तो जो नीचे वाली जगह पर रहते हैं जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं उनको तो जगह खाली करनी पड़ेगी और इसी के कारण क्या होगा गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ सप्लाई के लिए बहुत दौड़ेगी यानी दोनों के पीछे कॉमन कॉज है आंसर इसका ई फॉर एलिफेंट है तो चीजों को समझिए हमें पहला दिमाग लगा रहा है फर्स्ट सेकेंड वो नहीं होता है तो फाइव चलिए कुछ और क्वेश्चन दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब एस बी आई पी आदि में क्वेश्चन आ चुके हैं द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट फोर ईयर्स पिछले चार वर्षों से साक्षरता दर जो है वो बढ़ रही है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द लिटरेसी ड्राइव ये कहना चाह रहा है जो लिटरेसी ड्राइव है लिटरेसी अक्षरता का जो एक मिशन चलाया है उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेशल एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया तो अब आप सोचिए जरा यह कारण है और यह परिणाम है ये कॉज है ना ये बता रहा है कि आपने बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया लोगों को तैयार करने के लिए और पिछले चार वर्षों से लिटरेसी रेट बढ़ गया यानी एक कॉज है एक इफेक्ट है सेकंड वाला कॉज है आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा दोस्तों यहां मैं कॉज को लेते हुए चल रहा हूं एग्जाम में देखिएगा कॉज किधर लिखा है इफेक्ट किधर लिखा है उसके अकॉर्डिंग करिएगा एक और देखिए दोस्तों बैंक पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी ने काफी प्रॉफिट कमाया है दूसरा मेनी एशियन कंट्रीज हैव बीन ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया, जो बहुत सारी एशियाई देश है, देश हैं, एशियाई देश हैं, उन्होंने बहुत सारा स्टील आयात किया है और सारा स्टील इंपोर्ट किया है इंडिया से तो अब आपको समझ आ गई होगी भाई ये उसका कारण नहीं है ये उसका कारण उन्होंने प्रॉफिट कमाया इसलिए इंपोर्ट कर रही है या इंपोर्ट कर रही है इसलिए प्रॉफिट कमाया ऐसा नहीं है इन दोनों के पीछे का कॉमन कॉज है स्टील का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हुआ स्टील का प्रोडक्शन हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया स्टील का प्रोडक्शन हुआ इसलिए उन्होंने इंपोर्ट किया तो दोनों ही चीजें सही हैं यानी दोनों के पीछे कॉमन कॉज है आंसर फिर से फाइव यानी ई है चलिए दोस्तों एक और अच्छे से क्वेश्चन कर दें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जरा देखेंगे हम द एम्प्लॉय ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री जो सबसे बड़ी बैंक है भारत की हैव गिवन एन इनडेफिनेट स्ट्राइक कॉल एक अनिश्चितकालीन तक की हड़ताल की स्ट्राइक कॉल दी है स्टार्टिंग थर्ड ऑफ द नेक्स्ट मंथ अगले महीने की तीन तारीख से द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उन्होंने हफ्ते भर से चल रहा जो डेमोन्स्ट्रेशन है जो प्रदर्शन है वो बंद कर दिया ये दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं भाई उन्होंने तो अपनी स्ट्राइक अनाउंस करी है इन्होंने अपनी हड़ताल या प्रदर्शन रोक दिया है मुझे लगता है ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं दोनों के पीछे भी कॉमन कॉज ढूंढ के नहीं निकल पा रहा है तो फिर क्या है दोनों ही अलग अलग इफेक्ट हैं अलग अलग कॉजेस के यानी उनके कॉजेज इंडिपेंडेंट होंगे आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा तो यहां पे एक और आंसर आया डी तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया डी कहां लगाना होता है आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है जहां डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा चलिए मैं लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके स्क्रीन पर द स्कूल अथॉरिटी इज स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेज टू कंडक्टेड ऑन संडेज संडे संडे को जो एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं स्कूल के द्वारा उनको कहा है टेंथ स्टैंडर्ड वालों कि भैया पढ़ाई कर लो दूसरा कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव टेंटैंडर्ड देयर हैॉज उन्होंने अपने वॉज को विड कर दिया फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडे जो संडे को प्राइवेट ट्यूशन होते हैं उनका मना कर दिया दोस्तों कॉमन कॉज क्यों ढूंढू जब मुझे डायरेक्ट कॉज दे रखा है भाई एक बात समझिएगा स्कूल अथॉरिटी ने नहीं स्पेशल क्लासेस लगा दी तो प्राइवेट ट्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं है यानी पहला खुद ही कॉज हो गया सेकंड उसका इफेक्ट हो गया कॉज फर्स्ट है तो आंसर ए है इफ स्टेटमेंट वन इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट चलिए और आगे लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह पे आ चुके हैं हम लोग आराम से देखिएगा द गवर्मेंट इज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली पता चल जाए वैसा अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर दी है या उसके लिए निर्णय ले लिया है सरकार ने और दूसरा कह रहा है कि पहले यानी इन द पास्ट पहले क्या होता था जनरल पब्लिक के पास एक्सेस ही नहीं होता था इंफॉर्मेशन का रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन तो दोस्तों एजुकेशन को लेकर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता था ये कॉज है और इस कारण से उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कर लेते हैं ये इफेक्ट है सेकेंड इज कॉज फर्स्ट इज इफेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे तो एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से कर रहा हूं अगर फिर भी लग रहा है आपको जल्दी है तो बहुत आराम से वीडियो को देखें सुने अगर कहीं लगता है तो रिवाइंड करें और फिर आराम समझें आई एम वेरी मच श्योर कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी चलिए कुछ और क्वेश्चन हमें करना है आगे ही बढ़ते जाना है क्वेश्चन नंबर अट्ठारह दोस्तों देखिएगा देर इज शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर इस वर्ष ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में काफी डिक्लाइन हुआ है कम हुआ है ऑयल सीड्स कम आए हैं मार्केट में द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू द इंपोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल बाहर से मंगाना ही पड़ेगा भाई आपको सीधा कॉज दे रखा है इस बार ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हुआ है लेकिन खाद्य का डिमांड तो कम नहीं हुआ है खाने का डिमांड कम नहीं हुआ है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा यानी कि ये इफेक्ट हो गया यानी ये कॉज है ये इफेक्ट है फर्स्ट कॉज है इस हो जाएगा। तो चीजों को समझ रहे हैं आप लोग और आई एम वेरी मच श्योर आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोग चलिए हमें आगे बढ़ना है हमें भी आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ जाते हैं ध्यान से देखेगा देर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष से अगर कंपेरिजन किया जाए तो इस वर्ष ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं अनएम्प्लॉयड लोग हैं मतलब ज्यादा बेरोजगार है मेरे भाई द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक भाई सीधी सी बात कह रहा है पहला कह रहा है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है यानी क्या है बेरोजगारी है दुनिया में छाई हुई और दूसरा कह रहा है कि एक मैनेजर के पोस्ट के लिए हजारों हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट तभी तो यह काम होगा पहला वाला कारण है जिसका परिणाम सेकेंड में है आंसर हो जाएगा फर्स्ट कॉज यानी आंसर इज ए फॉर एप्पल हो जाएगा दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे कंप्लीट देखिए अच्छे से समझिए कि हम वीडियो में क्या लेकर आए हैं एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगा आप आराम से देखते चले जाइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को कैसे करना है all the schools in the area had to be kept closed for most part of the week इस हफ्ते के लिए बहुत सारी स्कूल्स को या सभी स्कूल्स को क्लोज करके रखना पड़ा सेकंड कह रहा है many parents have withdrawn their children from the local schools बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लोकल स्कूल से निकाल दिया दोस्तों अब आप सोचिए जरा निकाल दिया इसलिए क्लोज करना पड़ेगा अरे भाई निकाल दिया तो और बच्चे आ जाएंगे क्लोज करना पड़ा इसलिए वो निकाल दिए गए अरे यार क्लोज करने से क्यों निकालेगा बच्चा तो वेट करेगा ना वो तो टेम्पररी क्लोज किया है दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं दोनों के पीछे कॉमन कॉज कुछ नहीं है दोनों ही इंडिपेंडेंट है आपस में यानी आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा चलिए और आगे लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ ध्यान से देखिए आराम से देखिए चीजों को समझिए लोकल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक लोकल कोऑपरेटिव को क्रेडिट सोसाइटी है सहकारी सोसाइटी है हैज डिसाइडेड टू स्टॉप गिविंग लोन्स टू फार्मर्स विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने सोचा कि भैया डिसाइड कर लिया निर्णय ले लिया कि अब फार्मर्स को लोन नहीं मिलेगा चलिए देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटी मेंबर्स जो क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने मेजर पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द क्रेडिट सोसाइटी हटा दिया उन्होंने क्रेडिटी सोसाइटी से अपना सारा के सारा के पैसा जो डिपॉजिट है वो मेजरली हटा हटा दिया हटा दिया मैक्सिमम तो दोस्तों तो दो क्लियर तो जिसका फर्स्ट इफेक्ट है आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला कॉज यानी आंसर फॉर बॉम्बे हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की ओर अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको समझना है कि एक्चुअली कॉज क्या इफेक्ट क्या है और कैसे इसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑल द सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी यूरिंग द लास्ट फोर नाइट पिछले पखवाड़े में पिछले फोर्ट नाइट में जितने भी वॉटर रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से भर गए सबके टैंक भर गए फलाना हो गया बहुत अच्छे से भर गया सेकंड कह रहा है कि बहुत सारी ट्रेन कैंसल्ड हो गई पिछले हफ्ते वाटर लॉगिंग वाटर लॉग यानी पानी जमा हो गया पानी जमा हो गया तो ट्रेन नहीं चल सकती तो अब आप सोचिए जरा बहुत सारा पानी टैंकों में भर गया है वाटर के सोर्सेज में भर गया है इसलिए पानी वहां भी भर गया नहीं वहां पानी भर गया इसलिए वहां भी दोनों का आपस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन तो नहीं है कॉमन कॉज अगर मैं निकालता हूं दोस्तों कॉमन कॉज क्या निकल के आएगा बहुत अच्छी बारिश हो रही है बहुत अच्छी भारी बारिश हो रही है भारी बारिश होगी तो पहला भी होगा और दूसरा भी होगा दोनों ही सही हो जाएंगे दोनों ही इफेक्ट है कॉमन कॉज के आंसर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आखिरी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्यू स्मॉल बैंक इन द कंट्री भारत की छोटी बैंक पे कुछ रेस्ट्रिक्शन अभी रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों रखे हैं जरा समझते हैं हम लोग The the small banks in the private and cooperative section in India are not in position to withstand the competition of the bigger in the public sector. छोटे छोटे बैंक है ना वो बड़े जो बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका कॉम्पिटिशन हैंडल ही नहीं कर पा रही वो उसके सामने कंपिटेंट ही नहीं है ये इसकी हिंदी हो गई तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया हुआ क्या जब पता चला कि कंपिटेंट नहीं है तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए यानी इसका फर्स्ट जो है वो इफेक्ट है सेकेंड इसका कॉज है सेकेंड कॉज है यानी बी इसका आंसर है तो दोस्तों हमने देखा किस तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमने करा एग्जाम में ये याद रखिएगा यहां फर्स्ट कॉज का फर्स्ट आंसर था वहां हो सकता है फर्स्ट इफेक्ट का फर्स्ट आंसर हो वो जो भी आंसर होगा अच्छे से चेक करना है मैंने लॉजिक बताया अप्रोच बताई एक एक चीज को समझाया कि पहले ए और बी चेक करोगे वो नहीं होगा तो फाइव चेक करोगे फाइव नहीं होगा तो फोर चेक करोगे सो so, एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझाया बस अब बचे हुए क्वेश्चन तो लिमिटेड बचे थोड़े से कर लीजिए समाप्त चैप्टर क्लोज कर लीजिए अगले वीडियो में मिलेंगे थैंक यू एंड से